हेलो बच्चों, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सैनिटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे, और उसके बाद हमने बेसिक स्टार्ट कर दिया था कि इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। वहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन के जो बहुत बेसिक से जो क्वेश्चन थे उनको हमने प्रैक्टिस भी किया था, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आज आपकी जो रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स जो डाउट्स हैं वो भी आज क्लियर होंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक जो क्वेश्चन है वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें इसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। हीरा लाल इज गेटिंग 275 रुपीज़ पर डे एज वेजेज। तो यहाँ पर कोई पर्सन है हीरा लाल, वो एक दिन की उसकी मजदूरी कितनी है 275 रुपये, 275, ठीक है। इफ़ ही वर्क फॉर 312 डेज पर ईयर, ठीक है, तो एक साल में कितने दिन काम करता है, 312 दिन, 312 डेज। व्हाट इज़ द एनुअल इनकम ऑफ हीरा लाल। तो हमें यहाँ पर हीरा लाल की सालाना आय बतानी है, यानी कि वो एक वर्ष में कुल कितने रुपए कमाएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले तो ये देखो कि आपको आज मैं मान लो 10 रुपए देता हूँ, ठीक है, फिर आपको कल फिर से 10 रुपए देता हूँ, आपको परसों फिर से 10 रुपए देता हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों दिन में मिलाकर कितने रुपए दिए टोटल, तो देखो सिंपल सी बात होगी कि आप उसको ऐड करोगे पहले 10, फिर आप उसमें 10 और ऐड करोगे, दो दिन में आपके हो गए 20, फिर आप उसमें 10 और ऐड करोगे, और ऐसा करने पर आपको 0 और 2 एंड 1 3 30 रुपये आपको मिल चुके, ठीक है। इस तरीके से मैं एक दिन और बढ़ा दूँ तो आप बोलोगे 40, फिर एक दिन और बढ़ा दूँ तो आप बोलोगे 50, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे बोल दूँ कि मैं आपको 50 दिन कंटिन्यू 10-10 रुपये दे रहा हूँ, तो टोटल कितने रुपये, तो फिर आप ऐसे थोड़े जोड़ने बैठोगे, ऐसे इस तरीके से ऐड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये देखो कि जब 10-10 रुपये मैं आपको दो दिन दे रहा हूँ तो कितना हो रहा है 20 रुपये, तीन दिन दे रहा हूँ तो 30 रुपये, 4 दिन दे रहा हूँ तो 40 रुपये। तो आपको मालूम चलेगा कि आपने टेबल्स पढ़ी होंगी, तो 10 1 10 10 2 20 10 3 30 10 4 40, यानी कि आप कुल मिलाकर क्या कर रहे हो, 10 को या तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ऐसा करने पर आपको 10 20 30 40, यानी कि आपने रुपीज़ को किन से मल्टीप्लाई कर दिया, जो डेज हैं उनसे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि आपके पास जो रुपए मिल रहे हैं रोज़ाना के वो कितने हैं, 275 रुपये, कितने मिल रहे हैं 275 रुपये, और उसके बाद आपको जो या हीरा लाल को जो सेल जो वेज मिल रहा है रोज़ाना का वो कितना है, 312, ठीक है, सॉरी यहाँ पर वेज मिल रहा है वो कितना था 275, और जो 312 है वो क्या है, टोटल डेज, कितने डेज उसको ये वेज मिल रहा था, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे क्यों करेंगे वो अभी समझा दिया, ठीक है। तो अब ये देखो जो आपका 312 है वो किस किस से मिलकर बना होगा, 300 से मिलकर बना होगा, फिर उसके बाद 10 और फिर 2, देखो 300 10 एंड 2 312 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है 275 को, कुछ ऐसा करते हैं ना कि 275 और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 300 प्लस 10 प्लस 2, तो आप पहले इस नंबर को
इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, या आप रिवर्स भी कर सकते जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करो या 300 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से जब आप रखते हो तो आपको थोड़ा सा इम्प्रॉपर मेथड हो जाता है एक प्रकार से। जब हम प्रॉपर तरीके से इसको करें सोल्व, तो वो कैसे होगा कि अभी यहाँ पर देखो, मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 5 10 होगा, और 1 यहाँ पर 4 कैरी फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, इस 1 को मैं आगे यूज़ करना है, तो हम देखो 2 7 14 एंड ये जो 1 कैरी फॉरवर्ड था ये मिलकर हो जाएगा 15, लेकिन फिर से हम 1 कैरी फॉरवर्ड के लिए रख रहे हैं। फिर देखो 2 into 2 4 एंड 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, लेकिन हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, क्योंकि 1 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है 10 है। तो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 50, इस तरीके से 5 यहाँ पर 4 कैरी फॉरवर्ड रहेगा, 10 7 70 और 5 75, तो वहाँ पर 5 रखेंगे और 7 कैरी फॉरवर्ड रहेगा, फिर 10 2 20 एंड 7 27। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2 7 50, लेकिन हम अगर बार बार ये सोचे कि हम 10 से मल्टीप्लाई करें फिर यहाँ पर डिजिट आएगा उसके लिए 300 फिर 4000 ऐसे कुछ भी जो भी नंबर आए ऐसे करेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेशन के लिए। तो हम यहाँ पर देखो जो ये वाला जीरो है इसके लिए हम यहाँ पर पहले ही जीरो लिख देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, और उसके बाद इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 5 5 1 7 7 1 2 2। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लो आप किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, 6 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएगा, यानी कि जो गिवन नंबर है उसके बाद आपको केवल जो जीरो है वो लिखना हो रहा है, लिखना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मान लो ऐसा होता 20 5 20, तो उस केस में कितना होता है 100 25 100। तो इस केस में देखो ये जीरो तो आ ही रहा है, उसके बाद 5 डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 10। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब बात करें तो हम यहाँ पर 300 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हम ये मालूम है कि हम ऑलरेडी यहाँ पर 20 रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, लो 3 5 15 1 एंड 3 7 21 एंड 1 20 2 कैरी फॉरवर्ड 2 3 2 6 एंड 2 8। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 ऐड होकर क्या बनेंगे 0, 5 और 5 ऐड होकर बनेंगे 10, 10 के लिए यहाँ 0, 4 कैरी यहाँ पर 1 होगा, फिर 5 और 7 12 एंड 5 17 और 17 और जो 1 कैरी है वो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, फिर से 1 कैरी रहेगा, तो 2 एंड 2 4 एंड 1 कैरी यहाँ पर 5 और ये जो 8 है रिमेनिंग वो इसी तरीके से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो 85,800 इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, अभी एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर जो आपके सामने जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले है वो आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया हुआ है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में उससे क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, तो उसमें इस क्वेश्चन के अलावा जो भी रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही होगा उसमें। ठीक है, जो एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही होगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन इससे ईजी हैं, तो आप उनको ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जैसे 599 में तो इसको क्या लिख सकते हैं,
500 प्लस 90 प्लस 9। अब तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको इसी तरीके से लिखना है, यानी कि आपको ज़्यादा इस पर फोकस भी नहीं करना कि आपको हमेशा ऐसा लिखना ही हो। आपको ये समझने के लिए कि ये आम किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ये चीज़ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप बिना इसको लिखे भी आप अपना आंसर यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 9 5 9 5 = 45 कैरी यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, 9 4 = 36 36 और 4 40 अभी भी कैरी कितना है 4। 9 8 = 9 8 = कितना होगा 72 72 and 4 76। अब देखो, जैसे ही नेक्स्ट डिजिट पर आएंगे यहाँ पर 10 हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, और उसके बाद हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो 9 से देखो, हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं एक बार, तो हम फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। सेम नंबर आने का मतलब ये जो 7605 है यही आने वाला है, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करने पर अगर पहले ही आया है 7605, तो दोबारा अभी 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आना चाहिए। तो आप इसको डायरेक्टली बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्ट लिख सकते हो 506 and 7, ठीक है। ये जो जीरो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है वो किस वजह से जुड़ा हुआ है, इस वाले जीरो की वजह से, ठीक। अब देखो, 5 5 = यहाँ पर पहले तो देखो कितने जीरो आएंगे, 2 0 आएंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ होता 8 4 5 और 5 0 9, इस केस में क्या करते हैं, ये तो आपको बन जाता 500 and 9 ही बन जाता, ये तो डायरेक्ट आपका, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं आप, इस केस में आपको क्या करना है, पहले आप 9 के लिए ये लिखते जो 7605 है, अब उसके बाद आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी जीरो से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते भी हो तो आप यहाँ 00 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि यहाँ इसके बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट रखने हैं। या आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पहले से नज़र आ रहा है कि 20 है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, और इस लाइन को आप नहीं भी लिखो तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरीके से 00, और उसके बाद आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 5 5 = 25, जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो 2, 5 4 = 20 and 2 20 2, 5 5 = कितना हुआ 25, कैरी फॉरवर्ड के लिए 2 रहा है यहाँ पर, 5 4 = 20 and 2 22, तो 2 लिखेंगे और कैरी फॉरवर्ड फिर से क्या रहेगा 2, और 5 8 = 40, 40 और 2 42। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 5 0 and 0 ऐड होकर क्या बनेगा 5 0 5 and 0 ऐड होकर क्या बनेगा 5 6 0 and 5 ऐड होकर क्या बनेगा 11 1, यहाँ पर क्या रहेगा कैरी। इसके बाद 7 6 13 and 2 15 and 1 16, ठीक है। फिर से कैरी 1 रहेगा, 7 2 9 and 1 10, और फिर से यहाँ पर देखो क्या रहेगा 1 कैरी फॉरवर्ड के लिए रहेगा, तो 4 and 1 5। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5,06,155, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो जितने भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 एक्सरसाइज का, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको खुद से सोल्व करने हैं, ठीक है। अभी आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो आपको, जो आपने इंडियन हिंदी सिस्टम पढ़ा था या जिसको देवनागरी सिस्टम बोलते हैं, हम एक क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके भी जो रिलेटिव पार्ट्स होंगे वो आप खुद से सोल्व करोगे। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो।
अब यहाँ पर देखो कि आपके जो नंबर्स हैं, यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं वो केवल इंडियन हिंदी सिस्टम बोल सकते हो, देवनागरी सिस्टम बोल सकते हो, उसमें लिखे हैं। बाकी जो प्रोसेस होगी, जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आप इसको पहले जब लिखोगे तो आप इसको किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो 300, क्योंकि ये 384 है, तो पहले आप 300 लिखोगे, फिर 80, तो आप 80 को कुछ इस तरीके से लिखोगे प्लस आपका 4, ठीक है। अब आप देखो कि मुझे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4 टू जा यहाँ पर क्या होगा 8, ठीक है, 4 टू जा 8, उसके बाद देखो 4 सिक्स जा 24, तो 24 के लिए यहाँ पर 2 कैरी होगा और 4 यहाँ पर आएगा, कैरी फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 2, 4 5 जा 20 एंड 2 22, अब देखो 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो यहाँ पर जो जीरो है ये वाला, ये जीरो यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टू जा 16 क्या होगा 16, और कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर होगा 1, फिर 8 सिक्स जा 48, 8 सिक्स जा कितना होगा 48, और जो आपका 1 है उससे उसको मिला कर क्या हो जाएगा 49, जो कैरी 1 है उसको मिलाकर 49, तो 49 के लिए अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, ठीक है। उसके बाद देखो जो कैरी फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 49 था तो 4 आएगा, ठीक है। अब 8 फाइव जा कितना होगा, 8 फाइव जा 40 और 4 44, तो यहाँ पर क्या आएगा 44, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, 300 से, तो यहाँ पर 20 आने वाली हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो 3 टू जा 6, फिर 3 सिक्स जा 18, 3 सिक्स जा क्या होगा 18, थ्री सिक्स जा 18, कैरी यहाँ पर हमें मिलेगा 1, और 3 फाइव जा 15 और 1 16, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 16। अब इसको ऐड कर लो, तो यहाँ पर देखो ऐड एज इट इज आएगा, इसके बाद देखो 4 एंड 6 मिलकर होगा आपका 10 और 1 यहाँ पर कैरी रहेगा, इसके बाद देखो 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 1 जो एक कैरी वाला था इसको मिलाकर क्या होगा 18, तो 18 का यहाँ पर 8 लिख दोगे और 1 अभी भी कैरी रहेगा, उसके बाद देखो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 1 यहाँ पर जो है इसको मिलाकर होगा 15, तो 15 का 5 और 1 अभी भी कैरी है, इसके बाद देखो 4 एंड 6 10 एंड जो 1 कैरी है उसको मिलाओगे तो क्या होगा 11, फिर 1 कैरी रहेगा और 1 एंड 1
टू। तो इस तरीके से जो देवनागरी वाला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, उसको भी आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और अदरवाइज आपके पास ऑप्शन सही, आप किसी भी मीडियम से इंटरेक्ट करके बता सकते हो कि आपको इस क्वेश्चन में अभी डाउट है, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। तो जैसे आप बताओगे उसको यहाँ पर सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।